सबट्रैक्शन और एडिशन स्लाइड में होती है जो कि हमारे बेस रेट एक्सरसाइज 2.1। अब करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन मिलेगा मात्र चले इनका
3 upon 4 और इसको क्या 7 5 का 35 35 में 2 ऐड किया 37 upon 11 ये फिर क्या किया हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया था और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया ठीक अब क्या ट्रिपल 1 28 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जाएगा मेरे हिसाब से लगभग क्या करना चाहता कि हमने मल्टीप्लाई की थी फ्रैक्शन से और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है तो लेकिन वो अब फ्रैक्शन को इस टाइप से नहीं देखे हमें और कुछ करवाना चाह रहा है कि फ्रैक्शन का और भी कौन सा पार्ट हो सकता है एक बार और देखते हैं अगर मान लिया आपको ऐसा नंबर मिल जाता है मान लिया लिखा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 7 अपॉन 8 ये भी मान रहा है मतलब आप जो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करा लिया है आगे क्या होने वाला है बताइए आगे इसका पार्ट और क्या हो सकता है और कुछ बचे तो क्या करेंगे मेरे लिए 6 मल्टीप्लाई 8 में 8 8 में 7 देता हूं 15 अपॉन अपना काम तो वही है मल्टीप्लाई ना इसको किससे करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे लेकिन यहां हमें एक चीज देखने को मिली और वो क्या है देखो कि हमारा 6 जो है वो 2 से डिवाइड होता है इधर हमारा 8 भी क्या है 2 से डिवाइड होता है यानी 2 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो 6 और 8 दोनों को डिवाइड कर रहा है अरे गाइड करता है तो कॉमन फैक्टर होगा तभी डिवाइड होगा तो 2 की टेबल से 6 को डिवाइड कर दिया हमने 3 है और 2 की टेबल से 8 को डिवाइड कर दिया मतलब 4 है अब वही प्रोसेस होते हैं फिर हमारे पास क्या बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया 45 अपॉन लग गया 4 11 को 44 11 बाय 1 यहाँ डिवाइड इस पार्ट में पहले ही कर दिया था अब अगर किसी के दिमाग में प्रश्न है यहाँ तो नहीं करूंगा भाई चांस मेरे गलत हो जाए तो मैं क्या करूंगा फिर भैया आगे बढ़ पहले कैसे बढ़ेगा आगे वो फिर वो कहेगा पहले 16 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 15 और 1 मल्टीप्लाई बाय 8 15 6 का 19 और 8 बन जाए अब देखो 19 2 की टेबल में हो सकता है 8 भी 2 से हो सकता है चलते हैं ये 2 की टेबल से 4 है ये 2 की टेबल से 35 है वहां से कहां हम लोग 45 अपॉन 4 के पास पहुंचे और नीचे मल्टीप्लाई करके पहुंचे तो भी कहां पहुंचे थे 45 अपॉन 4 के पास यानी दैट्स इज द लो दैट वुड बी लो मतलब है कि सॉल्व कर लोगे तो दूसरे को आंसर आ रहा है सॉल्व कर लोगे तो भी आंसर नहीं आ रहा है क्लियर बात बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की लेवल की नाम है सेकंड लेवल का क्वेश्चन कौन सा है अब तक हमने मल्टीप्लाई का साइन क्वेश्चन में दे रखा था अगर नहीं देते तो हम नहीं देते हैं अब यहां नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज क्या है क्या है मतलब कुछ भी है मेरी मर्जी क्या है आप कहते हैं क्या है कुछ नहीं है मैं लिखा 1 upon 2 of 40 1 upon
क्वांटिटी ऑफ में होता है का का मतलब मल्टीप्लाई का मतलब क्या है एक यहां पे ऑफ लिखा दिया है इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं ठीक है इंग्लिश में ऑफ का क्या कहते हैं बात कर रहा हूं यहां ऑफ का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई ऑफ मींस मल्टीप्लाई किसकी का मल्टीप्लाई One upon two is multiplied with 20. काम तो वही बात पहले वाले फ्रैक्शन की क्या कर रही है बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं हमने ऑफ के टाइम को रिप्लेस किया और रिप्लेस करके लगा दिया मल्टीप्लाई कर रहा है हमने टू बन जा टू टू की जगह ट्वेंटी की क्या बनता है टेन टाइम आंसर मुझे क्या मिलेगा टेन बन जा मैं अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा ये लेकिन एक स्टेप यहाँ क्या हो गया अपने पास कम हो गया तो कम वाला स्टेप हमें क्या बताता है कि हमने इसको पहले से ही किसी एक सिमिलर नंबर से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया ताकि इस पर्टिकुलर नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आगे मल्टीप्लाई इजी जाएगी इजी हो जाएगी चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं इस टाइप का और उसमें क्या करना चाह रहे थे और क्या हो रहा है ना अब मैं आपको भागने की जरूरत समझ कर वैल्यू नहीं ना हम लोग पहले से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाकर जाएंगे लेकिन अगर किसी स्टेप्स क्या कर लगे कि सर मेरे सिंपलेस्ट फॉर्म में बात नहीं बढ़ रही है मतलब यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगा तब सिंपलेस्ट तरीके का होगा कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तय एक ही क्वेश्चन को कर लेंगे हजार बता देंगे ठीक है जैसे लिखा मान लिया मैंने 4/5 ऑफ 20
जो फाइव टेबल फाइव के टाइम आता है ऑन टाइम इसको करें डिवाइड रेसिस्टर स्टार्ट ना हो तो वही काट रहा है दैट इज द रीजन देखो 225 को 5 से डिवाइड किया 5 4 द 20 रिमेनिंग बचा 2 लेफ्ट आया 5 25 5 5 द 25 कितना बचा 45 यानी ये कैसे भी रहे वो अपना 45 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इसको करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं 3 5 का 15 का 5 का यानी 1 4 3 का 12 और 1 30 और 1 को 1 से किया 1 ही मिलता है और लिखने के लिए कुछ भी नहीं है इसलिए सवाल आंसर क्या बना 135 आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ600 मिलीमीटर
देते उस यूनिट का कन्वर्जन करना है, उस यूनिट की वैल्यू लिखनी है। मान लिया मैं यूनिट की जगह अगर मैं रुपीज लिख देता, अगर मैं क्या कर देता यहाँ रुपीज लिखता, देखो मैं इस लीटर को हटाऊ और लीटर को बदल देता हूँ रुपीज से, यानी जो लास्ट में जो यूनिट दे रखी है उसको हमें कन्वर्ट करना है इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे मान लीजिए अगर आपके ईयर के बारे में बात करूं, है ना, इसके बारे में बात करूं ईयर के बारे में, करेक्ट बात, मान लीजिए 1/5 और 5 years, इसकी बात करनी मैंने 5 years की बात, तो लिखा मैंने मान लिया बिकॉज 1 year इक्वल टू 10 months, तो हमने कितने इयर्स की बात की है, 5 years की, वाले का 10 months को टाइम आया है 8 years 61, यार इसको रिप्लेस करना था इयर्स को, इयर्स किसमें जाएगा मंथ्स में, 1 year equals to 12 months, then 1/5 year equals to 12 by 16 months. And then multiply, okay, 1/5 of यहाँ भी क्या होता है 16 और 5 भी क्या होता है 16 आता है, जब आप 12 है, it means 12 months. Okay? Overall बात हमने क्या सीखी कि अगर मैं किसी भी तरह की unit के बारे में बात कर ले, डे हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, आठ हो, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, कुछ भी दे रखा है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना है 10 यूनिट, ओके।